तुमने अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो समझ लेना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। चलिए चंद्रभा, घर चलिए। और आभा? कौन? आभा? अब वो हमारी बेटी नहीं रही। जगवान प्रसाद की बहू हो गई। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। और करण से मिलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अंदर जाने दीजिए। करण को हमारी बहुत जरूरत है सर, प्लीज। करण को हमारी जरूरत है सर, सर प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए सर। वो हमें बुला रहे हैं सर, प्लीज इस वक्त उन्हें हमारी बहुत जरूरत है सर। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए।
संस्कार के साथ तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम जाओ, मैं बस थोड़ा टूट फूट सा गया हूं। संस्कार तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करता है तुमसे। माँ जी, ठाकुर साहब, सब उसे बहुत पसंद करते हैं। हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप ही चाहते थे ना हम अपने प्यार को, अपने इस रिश्ते को हमारे परिवार के सामने स्वीकार करें। आज हमने सबके सामने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। मिस्टर करण, हमें अभी पता चला है कि आपको होश आ गया है, और हमें यह भी पता चला है कि आपका यह एक्सीडेंट मिस्टर संस्कार की गाड़ी से ही हुआ है। जी जी, लेकिन संस्कार की कोई गलती नहीं है। मैं ध्यान नहीं दे रहा था और सड़क की गलत तरफ चल रहा था। He is not at fault. Okay, Mr. Karan. चलिए। मिस्टर संस्कार, देखिए हमने मिस्टर करण का बयान ले लिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये एक्सीडेंट उन्हीं की गलती से हुआ है। सो अब आप जा सकते हैं। चलिए। चलो संस्कार, घर चलते हैं। मगर आपा, मैं उसे लेकर आती हूं। करण बेटा,
आखिर तेरा प्यार जीत गया। तूने कहा था आभा अपनी मजबूरियों का सामना कर इस रिश्ते को अपनाएगी। उसने अपना लिया बेटा। तूने कहा था आभा अपनी मजबूरियों का सामना कर इस रिश्ते को अपनाएगी। उसने अपना लिया बेटा। जब तक करण हॉस्पिटल में है हम उनके साथ यही रहेंगे। घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, तुम घबराना मत, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। इतना सब सोच के अपने दिल पे हमसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है किसी को। कान खोल के सुन लो सभी लोग, आज के बाद कोई उसका नाम नहीं लेगा इस घर में, कोई भी नहीं। मर चुकी है हमारी वो बेटी हमारे लिए।
भागू साहब आप कहना रुक जाइए, क्या करके रहे आप? कोई शरत नहीं है, उसने खुद ये रिश्ता तोड़ा है हमसे, हमारे परिवार से। अब इस घर में उसकी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। सुनिए, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? बेटी मर गई। चाचा जी, चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, हम क्या करें संस्कार, क्या करें हम? दुनिया की बात तो छोड़ो, लेकिन हम तुमसे अपने बेटे से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहे। सिर्फ उस लड़की की वजह से। हम तुमसे भी कहते हैं संस्कार कि भूल जाओ ये सब, तुम भी चले जाओ यहां से। हमारी गुजारिश है तुमसे, चले जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो बेटा। जो प्यार, जो मान सम्मान तुमने हमें, हमारे परिवार को दिया है, उसकी एवज में हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते बेटे, कुछ भी। चाचा जी, जो कुछ भी हुआ उससे रिश्ते थोड़ी ना टूट जाएंगे। आप मेरे पिता समान है, आपको छोड़ के कहां जाऊंगा? आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान, करण को बचाने के लिए, हमारे प्यार को बचाने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए कि हम सबके सामने अपने प्यार को स्वीकार कर सके। मगर ये कैसा इंसाफ है, करण के साथ रिश्ता जोड़कर हमारे माता पिता के साथ ही रिश्ता तोड़ दिया। अगर प्यार करना गलत है, प्यार करना गुनाह है, तो इस प्यार का एहसास ही क्यों करवाया आपने? हमें खुशी है इस बात की कि आज हम करण के साथ हैं, पर दुख है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं, और इस दुख के सामने सारी खुशियां फीकी है। भगवान हमें शक्ति दीजिए। सही राह बताइए भगवान, सही राह बताइए।